करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर उस वेरिएबल को पास करेंगे जिसका साइज आप पता लगाना चाहते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ इंटीजर की जगह फ्लोट, यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर हमें वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं है, इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका टाइप से ही फर्क पड़ता है। तो अगर हमने फ्लोट आई दिया है और उसका साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी फ्लोट टाइप वेरिएबल का साइज कैलकुलेट करेगा, लेकिन आप याद रखिए जब भी साइज कैलकुलेट किया जाएगा मेमोरी का तो वो हमेशा इंटीजर में होगा, ना कि फ्लोट में, क्योंकि मेमोरी किस तरह से ऐसा असाइन की जा सकती है, 2 बाइट असाइन किए जा सकते हैं, 4 बाइट असाइन किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.5 बाइट असाइन कर दिए। तो फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं फ्लोट का साइज भी कितना आ रहा है, 4 ले रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कैरेक्टर कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है, तो देख लेते हैं, चेक करते हैं एक बार कि क्या बाकी कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, ये कैरेक्टर कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है। तो इस तरह से साइज ऑफ भी कितने वेरिएबल पे काम करता है, सिर्फ एक वेरिएबल पर काम करता है, यानी कि एक ऑपरेंड पर काम करता है। तो इसलिए जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। टाइप कास्ट इज ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर, टाइप कास्ट भी एक यूनरी ऑपरेटर है। टाइप कास्ट क्या होता है, देखिए डेटा टाइप आप जानते हैं, कास्ट होता है कन्वर्ट करना, जब हम किसी डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक यूनरी ऑपरेटर होता है, यानी कि वो भी सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करता है, जो कि ऑब्वियस है। अगर आप किसी डेटा टाइप यानी किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी वेरिएबल पर तो काम करेंगे, तो इसलिए एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल होगा डेटा टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्ट चेंजेस द डेटा टाइप ऑफ ऑपरेंड, जो टाइप कास्ट होती है वो डेटा टाइप बदल देती है ऑपरेटर का। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप जिस वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं उसको लिखेंगे यहाँ पर, और जिस तरह का डेटा टाइप में उसको चेंज करना चाहते हैं उस टाइप को इन दो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है ए 3.7 जिसकी वैल्यू आपने दी है, अगर आप इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इंटीजर ए। तो इससे क्या होगा, ए जो ऑपरेंड है, देखिए यहाँ पे ऑपरेंड लिखेंगे, ऑपरेंड का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और उसके बाद जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, 3 आएगी। एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं, हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप डेटा लिया, या फिर ऐसा करते हैं फ्लोट टाइप डेटा लिया ए, जिसको हम इनिशियलाइज भी करा देते हैं 9.5। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं इंटीजर टाइप में, ए को प्रिंट कराते हैं। तो जैसा कि हम इस प्रोग्राम को पहले भी कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं, हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए जिसकी वैल्यू है 9.5। देखिए हम लोग यहाँ पर सेमी कोलन लगाना भूल गए, प्रिंट कराया जा रहा है उस वेरिएबल को, लेकिन जब फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया जा रहा है तो क्या दिया जा रहा है, परसेंट डी, यानी कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया जा रहा है। तो इस केस में ए की वैल्यू 9.5 प्रिंट ना होकर कुछ भी उल्टा सीधा प्रिंट होगी, तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम यही काम टाइप कास्ट करने के बाद करें, तो अगर हम ए का टाइप कास्ट कर दें इंटीजर में, कैसे करेंगे हम, ए से पहले आप ब्रैकेट में इंटीजर लिख दीजिए तो टाइप कास्ट हो जाएगा। रन कराते हैं, अगर हम अब करेंगे तो वैल्यू आएगी 9, क्यों, क्योंकि उसने डेटा टाइप कन्वर्ट करने में जो 0.5 था, 9.5 के आगे का 0.5 था, उसको ट्रंकेट कर दिया, उसको हटा दिया और 9 को एज अ इंटीजर बना दिया। तो इस तरह से आप डेटा टाइप कास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इंटीजर टाइप का ए लेते हैं, इंटीजर टाइप का ए लिया जिसकी वैल्यू है 9, और उसको अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ करके यानी कि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर करके जब आप प्रिंट कराएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या आएगा, देखिए 0.00 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए था, 9.00 आना चाहिए था। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ए को प्रिंट कराने से पहले या कहीं पर भी इस्तेमाल करने से पहले उसका टाइप चेंज करेंगे, और टाइप चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वो वाला डेटा टाइप लिखेंगे जो आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं। रन कराएंगे, अब क्या प्रिंट होगा, 9.000। तो इस तरह से आपका टाइप कास्टिंग वर्क करती है। ये उस केस में भी काम करती है जब आप एक इंटीजर और एक फ्लोट को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर और फ्लोट का जब ऑपरेशन होता है तो जो रिजल्ट आता है वो किस में आता है, फ्लोट में आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है भी, मान लीजिए बी है जिसकी वैल्यू है 9.876, ये वैल्यू है, तो अगर आप इन्हें जोड़ना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का सम बनाया हमने और उसकी वैल्यू हमने कितनी दी, ए प्लस बी,